नदीम भाई, आप कांग्रेस के लीडर हैं, आप एनआरसी सीए और एनपीआर के बारे में क्या कहना चाहते हैं एज अ लीडर? मैं कांग्रेस का लीडर नहीं हूँ, सबसे पहले मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं एक साधारण सा वर्कर हूँ कांग्रेस पार्टी का। और सीए के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप बहुमत से सरकार में आप आए हो तो आप ये जो कानून को आप लाए हैं, पास करवाएं, ये कानून से किसको अभी तक क्या फ़ायदा हुआ हासिल, आप बताइए। कानून के विरोध में जो जो आज हिंदुस्तान में हमारे सिर्फ मुसलमान भाई नहीं, हमारे हिंदू भाई भी उतना ही हक से वो आंदोलन में बैठे हैं, रास्ते में आए हैं। और जो इतने लोगों का मौत जो हुआ, इसका जिम्मेदार कौन होता है, ये मुझे सरकार से जानना है। और उसमें सिर्फ मुसलमान भाई नहीं मरे, उसमें हमारे हिंदू भाई भी। और जितना मेरा मुझे तकलीफ़ होता है मुसलमान भाई की मौत में, उतना ही तकलीफ़ मुझे हिंदू भाई के मौत में भी होता है। तो इसका जिम्मेदारी कौन उठाना चाहता है, आप ये बताओ। आपने तो कह दिया कि सीए क्या है, कुछ नहीं है, इसमें हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचेगा। अरे आप तो सबसे पहला बात आपने इतनी बड़ी बात कही कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमारे जितने वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है, जितने हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, सबको आप नागरिकता हिंदुस्तान में दोगे और आप मुसलमान का नाम नहीं लेते हो, मुसलमान को आप नागरिकता वहाँ से नहीं दोगे, तो ये तो सबसे बड़ा संविधान को के खिलाफ बात तो आपने सबसे पहले ही आपने कह दिया। यहाँ मोदी जी चीख चीख कर कह रहे हैं कि 2014 से आज तक हम लोगों ने कोई भी एनआरसी सीए के बारे में नहीं हम लोग बात करते, और वहीं पे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हमारे पार्लियामेंट में वहाँ पर कहते हैं कि एक एक इंच में एनआरसी लागू होगा, एक एक इंच में सीए लागू होगा। तो ये आप जो सरकार में आपको लोगों ने वोट दिया, आपको बहुमत से जिताया, तो आपका हक क्या बनता है, फ़र्ज़ क्या बनता है? आपका फ़र्ज़ बनता है जो जो आपने वादा किया था आज से 6 साल पहले कि सबका साथ सबका विकास, और कितने सारे वादा किए थे आपने रोज़गारी पे, भुखमरी पे, आपने कहा था कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, आपने इन सारे वादों के बीच में आप कितने वादों को मुकम्मल आपने किया? आपका वोट मांगते वक्त आपका मकसद कुछ और था, आपने लोगों से कुछ और वादा किए थे, बट आपको वोट मिल जाने के बाद, आपका सरकार आ जाने के बाद, आप जो वादा जो जो किया था आपने एक वादा भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आप पूरा ऑपोजिट काम कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में कैसे हिंदू मुस्लिम का दंगा हो, हिंदुस्तान में कैसे मुसलमान को नागरिकता छीना जाए, मुसलमान को डिटेंशन कैंप में डाला जाए, मुसलमान को सेकंड डिग्री का नागरिक बनाया जाए, उसका वोटिंग राइट छीना जाए, तो ये आपको किस हद से आप ये करना चाहते हैं? और संविधान में कहाँ लिखा है कि आप जात के आधार में आप किसी को सिटीज़न दें, कहाँ पे लिखा है? आप तो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं। आप हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, ये सबके लिए दिया। आज एक हिंदू, एक मुसलमान अगर एक पीजी में दो जात के भाई भाईचारी से रह सकते हैं, तो ये देन सबसे बड़ा हमारे अंबेडकर जी का है। तो हमें वो हिंदुस्तान चाहिए, अंबेडकर जी का हिंदुस्तान चाहिए, गांधी जी का हिंदुस्तान चाहिए, हमें गोडसे का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। इसी चीज़ का लड़ाई। और मैं सबसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि गोली मारो सालों को, आज़ादी दूंगा आज़ादी, गोली मारो सालों को, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का लड़ाई हमारे हिंदुस्तान से नहीं है, हमारे देश से नहीं है। देश आज है कल रहेगा और आगे भी इंशाल्लाह रहेगा। हम आज हैं कल नहीं रह सकते हैं, तो हमारा लड़ाई देश से नहीं है, हमारा लड़ाई ये सरकार से है, ये सरकार से लड़ाई है और लड़ाई कर सकते हैं। ये हमारा संविधान हम लोगों को राइट दिया है कि आप कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी, ऑपोजिशन उसको बोल सकता है, बट आज के दौर पे आप देख सकते हैं
कि सरकार अगर बीजेपी का है तो आप मतलब 90% मीडिया, बुरा मत मानिएगा भाई, 90% मीडिया जो है बिका हुआ है, गोदी मीडिया जो आदमी बोलते हैं, कि अगर वो गलत कर रहा है तो वो गलत को कवर कौन कर रहा है, वो मीडिया कर रहा है। आप बताइए आज हिंदुस्तान का जीडीपी कहाँ पे आ गया है, हिंदुस्तान में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, हम लोगों को आज़ादी चाहिए, हम लोगों को आज़ाद हिंदुस्तान में रहने का आज़ादी चाहिए, हम लोगों को आज़ाद हिंदुस्तान में भुखमरी से आज़ादी चाहिए, गरीबी से आज़ादी चाहिए, हम लोग अपने हिंदुस्तान को वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं। आप ये चीज़ में ध्यान दो, आप हिंदुस्तान आगे कैसे पहुँचे, हिंदुस्तान का ग्रोथ कैसे हो, हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़े। आप बताइए जीडीपी तो आपका नेपाल जो पाकिस्तान जो मतलब हमारे हिंदुस्तान में, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के सामने ये पाकिस्तान कंट्री कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जैसे जैसे कि आप एक बात बताइए, अगर जब वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, जब वहाँ पे हमारा हिंदुस्तान चैंपियन होता है, उसमें मुसलमान भी प्लेयर होते हैं, हिंदू भी प्लेयर होते हैं, बट लोग क्या कहते हैं, चैंपियन कौन हुआ, हिंदुस्तान हुआ, इंडिया चैंपियन हुआ, तो वो कभी कोई किसी जात के बारे में नहीं बोलते। तो मेरा कहना यही है कि आप जिस काला कानून को ला कर आप हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भेदभाव कर रहे हैं, जो आँख लगाना चाहते हैं, जो दंगा फसाद करना चाहते हैं, तो 21वीं सदी में आप ये ना करें, क्योंकि ये सरकार यही पब्लिक जो अन्नदाता है, जो आपको वोट देकर ये सरकार में लाई है, यही पब्लिक आपको जवाब देगा और आपको ये सरकार से आपको हटाना पड़ेगा। सरकार किसी का भी आए, या कांग्रेस पार्टी का है, या कोई भी दगार पार्टी का है, बीजेपी का पार्टी का है, ये सरकार जिंदगी भर के लिए नहीं आया। ये सरकार इसलिए आया कि आपने वादा किया था कि लोगों को, यहाँ के लोगों को वो हर चीज़ में सर करूँगा, पढ़ाई, रोजगार, नौकरी, 2 करोड़ नौकरी पर आप लोगों ने हर चीज़ में, आप लोग आप जब 5 साल रहे, आपने जितना तकलीफ है हिंदुस्तान वासियों को दिया है नोटबंदी में, लोगों को नोटबंदी में कितने लोगों का जान गया, किसी बेटी किसी की बेटी का शादी है जिसका पैसा बैंक में है, वो अपनी बेटी का शादी नहीं करा सकता है, तो रो रो के सिसक के मरा, तब भी आपको दोबारा मौका हिंदुस्तान के वास्ते दिया, चलो 5 साल नहीं, आप काला धन वापस लाओगे, आपने क्या क्या कहा था, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट आप एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज़ बिग ज़ीरो, कुछ नहीं हुआ। आप आज भी हिंदुस्तान के वासियों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, और ये जो आप अमित शाह और ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो तानाशाही जो चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, हम लोग वो चीज़ से आज़ादी चाहते हैं भाई।